नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक पनीर की सब्जी बनाएंगे। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स जंप इनटू द रेसिपी। सबसे पहले हम लोग प्याज को फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आपको फ्राई करना है। और जब इस तरह से हो जाए फिर आप इसको ब्लेंडर जार में इसको यहाँ पे दही ले रही हैं। जीरा आधा चम्मच, धनिया एक तेज पत्ता, दालचीनी दो ठो, लौंग तीन ठो, इलायची छोटी इलायची तीन ठो, एक बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, फिर जो खड़े मसाले हैं ये भी जाएंगे इसमें। आपको फ्रेश कोकोनट और काजू भी लेना है, चार काजू, ज़्यादा नहीं लेना है। फिर इसके साथ हम लोग पनीर मसाला, हल्दी, रेड चिल्ली, लहसुन, अदरक का पेस्ट। फिर इन सबको अच्छे से आपको पेस्ट बना लेना है। फिर हम लोग आलू फ्राई करेंगे सिंपल नमक हल्दी डाल के। फिर हम लोग जो पेस्ट बनाए थे उसको इसमें मैरिनेट करके रख देंगे। फॉर 15 मिनट्स आपको रखना है मैरिनेट करके। आप इस आलू में थोड़ा सा नमक भी दे दीजिएगा और इसको मैरिनेट कर देंगे, रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर पनीर लेंगे। पनीर में हम लोग टर्मरिक और धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा बेसन या सत्तू लेंगे और कसूरी मेथी। इसको हम लोग अच्छे से, मतलब जितना क्वांटिटी में लगता है ना, ज़्यादा आपको नहीं लेना है, जिससे कोट हो जाए पनीर उसी हिसाब से आपको लेना है। फिर इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। जब पनीर फ्राई हो जाए फिर आप इसको निकाल दीजिएगा। करी के लिए आपको सिंपल मस्टर्ड ऑयल में आपको जीरा का तड़का लगाना है और फिर आलू का जो हम लोग मैरिनेशन बनाए थे उसको आपको ऐड करना है। मैरिनेशन में जो मसाला बच गया था उसका भी पानी मम्मी ने ऐड कर दिया है। फिर आपको इसको अच्छे से भूनना है। याद रखिएगा, आप कवर कर करके इसको आपको भूनना है ताकि हम लोग का आलू भी बॉयल हो जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाए। जब मसाले अच्छे से भून जाए फिर आपको इसमें कसूरी मेथी ऐड करना है। फिर इसको मिला लेंगे। फिर हम लोग पनीर जो फ्राई करके रखे थे उसको ऐड करेंगे। गर्म पानी हम लोग ऐड करेंगे ताकि टेस्ट इन्हेंस हो, ख़राब ना हो, अच्छा रहता है। फिर आपको क्रीम गरम मसाला ऐड करके इसको 5 मिनट दे देना है। देन इट्स रेडी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम।